हेलो स्टूडेंट्स आई एम इंद्रजीत कौर फ्रॉम हाई मंडी मंडीगांव। आज मैं आपको टुलिप सीरीज़ की एट्थ क्लास की इंग्लिश बुक का चैप्टर फिफ्थ पोलो द किंग ऑफ गेम्स पढ़ाने जा रही हूँ देयर आर सो मैनी गेम्स प्लेड बाय कॉमन पीपल बहुत सी गेम्स आम लोग खेलते हैं बट सर्टन गेम्स आर प्लेड बाई ओनली ए फ्यू एंड इन सर्टन एरियाज ओनली लेकिन कुछ गेम्स किसी ख़ास कुछ ही जगहों पे खेली जाती हैं इन एडिशन दीज गेम्स आर प्लेड विद लिटल वेरिएशन इन रूल्स फ्राम वन एरिया टू द अदर इसमें जो गेम्स खेली जाती हैं इनमें कुछ वेरिएशन होते हैं एक जगह के मुकाबले में दूसरी जगह से अगर एक जगह पे एक रूल्स होते हैं तो दूसरी जगह पे इसके रूल्स थोड़े डिफरेंट होते हैं वन सच गेम इज़ पोलो उन्हीं में से एक गेम पोलो है प्लेड ऑन हॉर्स बैक ये घोड़े पे खेली जाती है एज द प्लेयर स्ट्राइक्स द बॉल जो प्लेयर होता है घोड़े पर बैठ कर वो बॉल को स्ट्राइक करता है विद अ मेलेट इन हिज हैंड वो एक स्टिक जैसी होती है दिस फास्ट एंड फ्यूरस गेम इज़ फेमसली कॉल्ड द किंग ऑफ गेम्स मेरे ख्याल से किंग ऑफ़ गेम्स इसलिए कहा जाता है कि ये तो एक कॉस्टली गेम है सबसे पहले इसके लिए घोड़ा चाहिए इस गेम को खेलने के लिए तो इससे इसी वजह से इसे किंग ऑफ़ गेम्स कहा जाता है रीड मोर अबाउट चलो हम इसके बारे में इस पोलो गेम के बारे में इस लेसन में कुछ पढ़ेंगे द किंग ऑफ़ गेम्स लेट अदर पीपल प्ले एट अदर गेम्स द किंग ऑफ गेम्स इज़ स्टिल द किंग ऑफ गेम्स लोग खेलते हैं गेम्स खेलते हैं लेकिन जो किंग ऑफ़ गेम्स है वो तो किंग ऑफ गेम्स ही है दिस वर्स ये एक वर्स है इंस्क्राइब्ड ऑन ए स्टोन एक स्टोन पर स्टोन टैबलेट बिसाइड एपोलो ग्राउंड अपोलो ग्राउंड में एक टैबलेट एक स्टोन टैबलेट पर यह वर्स लिखी गई है इंस्क्राइब्ड है साफ हफ्ता साउथ ऑफ़ द फेबल्ड सिल्क रूट फ्राम चाइना टू द वेस्ट फेबल्ड सिल्क रूट है चाइना से वेस्ट तक जाने के लिए साउथ में वहाँ पे ये सन्स ऑफ द एनशेंट हिस्ट्री ऑफ द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइज सपोर्ट इन द वर्ल्ड विद इट्स रिपीटेड टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड ईयर्स और मोर ऑफ एग्जस्टेंस ढाई हजार साल से ज़्यादा हो गया है सटनली पोलो रिफ्लेक्ट्स ऑल द क्वालिटीज़ दैट मेड द मंगोल हॉर्डर्स द ग्रेटेस्ट नेशन ऑफ़ हॉर्स मैन इन द एंशंट वर्ल्ड पोलो जो गेम है ये रिफ्लैक्ट करती है क्वालिटीज जो मंगोल हॉर्ड्स थे उन्होंने बनाई थी एक ग्रेटस्ट नेशन ऑफ हॉर्स मैन पुराने जमाने पुरानी जमाने में ग्रेट क्विजटेरियन स्किल कपल्ड विद ए क्लियर आई एंड स्टाउट हार्ट सखत नज़र तेज होनी चाहिए और द्री रिक्वसिट्स ऑफ ए पोलो प्लेयर ये चीज़ें ये क्वालिटीज़ एक पोलो गेम खेलने के लिए एक पोलो प्लेयर में होनी चाहिए पोलो वॉज बॉर्न इन सेंट्रल एशिया पोलो का जन्म पोलो गेम का जन्म सेंट्रल एशिया में हुआ स्पेंट स्पेंटेड्स चाइल्डहुड इन ईरान। बचपन इसका ईरान में एंड अटेन मेचोरिटी इन द नॉर्दर्न एरियाज तो और मेचोर हुई है गेम नॉर्दर्न एरियाज में फ्रॉम द स्टेप्स ऑफ़ सेंट्रल फ्रॉम द स्टेप्स ऑफ सेंट्रल एशिया द गेम इवेंचुअली स्प्रेड एज फार एज जापान सेंट्रल एशिया से ये गेम जापान में फैलनी शुरू हुई फिर चाइना में तिब्बत में और इंडिया में ओवर द एज जैसे जैसे इसका गेम का दौर बढ़ता गया टाइम बढ़ता गया एज बढ़ती गई द एरिस्टोक्रेटिक गेम डेवलप्ड ए प्रमोट क्विस्टेरियन एंड मिलिट्री स्केल्स तो इस गेम में Military skills, Maharat and was ranked next to battle itself as the ultimate test of the prowess of princes and warriors. Patronized by kings and the horse cavalry, it was played by the likes of Darius Genghis Khan. एंड अलेगजेंडर द ग्रेट ये गेम गेंग, डैरिस गंगस्खान और अलेगजेंडर जैसे लोग खेलते थे इन इंडिया पोलो वाज वाइडली प्लेड इन मिडीवल टाइम्स इंडिया में ये पोलो जो गेम थी ये मिडिवल टाइम्स में खेली जाती थी एज इज एविडेंसड फ्राम द फैक्ट दैट सुल्तान कुतबुद्दीन आइबक हु बुल कुतुब मीनार जिसने कुतुब मीनार बनाया है कुतुब्दीन ऐबक डाइड ऑफ ए फेटल एक्सीडेंट कहते हैं कि इसी एक्सीडेंट से लाहौर में जब वो गेम खेल रहे थे तो उस हादसे में उनका एक्सीडेंट हुआ और वो उनकी डेथ हो गई अंडर द मुगल्स पोलो वाज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया मुगल के दौर में जो पोलो गेम थी ये नेशनल गेम मानी जाती थी उस टाइम अंटिल द एंड ऑफ दिक्सटीन सेंचुरी सेंचुरी के एंड तक ड्यूरिंग दिस पीरियड पोलो एन्जॉय द पैटर्नेज ऑफ किंग्स एंड नोबल्स एंड वॉज वाइडली प्लेड इन द प्रोविंसेस ऑफ द एम्पायर एंड इन कोर्ट्स ऑफ द राजपूत किंग्स तो ये राजपूत की सल्तनतों में मुगलों की सल्तनत में उस दौर में ये गेम खेली जाने लगी इन द अनसर्टल टाइम्स ऑफ द एटीन सेंचुरी पोलो ऑलमोस्ट वैलिश फ्रॉम द इंडियन सीन इंडिया से एटीन सेंचुरी में ये जो पोलो गेम थी ये तकरीबन गायब सी होने लगी हाउ इट इट्स इन ए फ्यूज रिमोट माउंटेन्स ये जो गेम थी ये कुछ दूर दराज पहाड़ी इलाकों में एनक्लेव्स ऑफ द ग्रेट सब कॉन्टीनेंट नोटेबली इन गिलगित लद्दाख एंड मणिपुर जैसी जगहों पे ये गेम खेले जाने लगी पोलो हैज़ बीन फॉर सेंचुरीज़ ए पॉपुलर स्पोर्ट ऑफ द रग्ड माउंटेन वैलीज़ ऑफ द कराकोरम रेंज पर्टिकुलरली इन द रिमोट एंड इनसेसिबल हिमालन रे रीजन्फ कलक हन्जा शार्डु एंड कपालास इन बल्तिस्तान एंड लद्दाख इन जगहों पर ये गेम खेले जाने लगी तो आज का हमारा टॉपिक कितना ही है बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे थैंक यू